हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफली स्टडी। एसएससी एमटीएस हवलदार के पीटी पीएसटी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। हालांकि एक नोटिस भी आया है जो हम लोग आपसे बाद में शेयर करेंगे। पहले एक वीडियो आपको दिखाएंगे और उससे जुड़ा हुआ कुछ और बातें बताएंगे। ये एक व्यूअर ने सेंड किया है, पहले इनको धन्यवाद कर देते हैं। ये है धनंजय जगताप, जिन्होंने एक वीडियो हमसे शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि लड़के यानी कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, या चलना है या फिर दौड़ना है। इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इन्होंने बताने का कोशिश किया है उसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि आज वेस्टर्न रीजन का पीटी पीएसटी हुआ, टोटल 105 कैंडिडेट बुलाए थे, उनमें से 80-85 ने टेस्ट दिया, उसमें से लेडी कैंडिडेट भी थी। ठीक है, उनमें एक लेडी कैंडिडेट भी थी। बहुत आसानी से हो गया, कोई फेल नहीं हुआ, सिर्फ एक कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी का इशू हुआ। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि कल 105 कैंडिडेट का है। ठीक है, तो ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, काफ़ी अच्छा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक वीडियो इन्होंने शेयर किया है, चलिए अब आपको वीडियो दिखाते हैं। देखिए, ये वीडियो है जिसमें कि यहाँ पे कैंडिडेट्स को चलते हुए दिखाया जा रहा है, कैसे चलना है आप लोग देख लीजिए इसको। इसमें रन नहीं करना है, हालांकि ये 2-3 सेकंड का ही वीडियो है, जल्दी से ख़त्म हो जा रहा है, एक ही चीज़ आपको बार बार दिख रही है। लेकिन इसी तरीके से आपको भी चलना है, आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, दौड़ना नहीं है। और देखिए, सब कोई शू पहना है, तो आप लोग भी जूते पहन कर ही जाएँ, नॉर्मल ड्रेस है, कुछ भी आप लोग स्पेशल नहीं करने की ज़रूरत है। तो देख लीजिए कैसे ये किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमसे ये शेयर किया। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, और उसके बाद एक नोटिस भी आया है, चलिए आपको नोटिस दिखाते हैं एसएससी का। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग आएंगे साउदर्न रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखिए ये चेन्नई यानी कि साउदर्न रीजन का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर एमटीएस हवलदार को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो इसमें जैसे ही आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस है, और इस नोटिस पर आपको क्लिक करना है। ओके, और उसके बाद जैसे ही ये डाउनलोड होगा फिर एक फ़ाइल आपका खुलेगा, और जिसमें कि आपको सारी डिटेल बताई गई है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं जो कि हमने अपलोड किया है चैनल पर। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है वो आपको बताते हैं। इसमें देखिए माना किया जो बातें कही गई हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पैरा 14.1 में, ठीक है, नोटिस जो आया था उसका 14.1 में कहा गया था कि द एग्जामिनेशन विल कंजिस्ट ऑफ, ठीक है, एमटीएस और हवलदार का बारे में जो कहा गया था कि उसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो पहले कहा गया कि पेपर वन फिजिकल टेस्ट यानी कि पीटी पीएसटी होगा, और इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी पीटी पीएसटी जो है केवल इन्हों लोगों के लिए होगा जिन्होंने हवलदार चुना है, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पेपर टू, यानी कि पेपर टू दोनों के लिए है, लेकिन पीटी पीएसटी केवल की और केवल किसके लिए है, ये है हवलदार के लिए। अगला देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखा है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। लिखा है कि कैंडिडेट्स आर इशूड ई एडमिट कार्ड फॉर पीटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि इसमें टीयर 2 के रिजल्ट को नहीं शामिल किया गया है, ये केवल अगर आपने टीयर 1 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तभी आपको पीटी पीएसटी के लिए बुलाया गया है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स मेयरली अपियरिंग या क्वालिफाइंग इन पीटी पीएसटी विदाउट हैविंग अपियर्ड इन पेपर 2 ऑफ एबव एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 6/11/22 विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब ये हुआ कि अगर किसी कैंडिडेट ने पेपर 2 एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उसका पीटी पीएसटी कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप ऐसे ही रेस से बाहर हो चुके हैं हवलदार के लिए। ओके, अगर आपने पेपर 2 नहीं दिया है तो कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं था, तो यानी कि वो चैनल से रेगुलर अपडेट नहीं रहते थे, अपडेट लेते नहीं थे, इसीलिए ये हुआ है जिनके संग। यानी कि हमने बताया था कि पेपर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको ज़रूर दीजिएगा, भी आपके पीटी पीएसटी का कोई वैल्यू है। तो यहाँ से ये नोटिस देकर क्लियर कर दिया गया है, अब उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस था, चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन आता है तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए चैनल से बने रहें, थैंक यू।